हम पहुंच गए हैं स्टोरेज पे। इस जो ग्रेन्स हैं, अब हमारे ग्रेन्स आ गए हैं, हमने उनको हार्वेस्ट कर लिया है, उनको थ्रेशर से और कंबाइन मशीन से अलग अलग कर लिया है, और स्मॉल फार्मर्स ने हाथ से काट लिया है, हाथ से काट के उनकी थ्रेशिंग और विनोइंग करके उसे अलग कर लिया है। और हमने ये भी देख चुके हैं कि कैसे जो है फसल की कटाई यानी हार्वेस्टिंग पे डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल हमारे कंट्री में होते हैं, लोग खुश होते हैं कि उनकी फसल हो गई है और दिस इज टाइम फॉर सेलिब्रेशन। तो अब हम देखते हैं कि एक बारी फसल हो गई तो अगर हम उसे खुले में छोड़ देंगे तो या तो चूहे खा जाएंगे या डिफरेंट टाइप के उसमें इंसेक्ट्स लग जाएंगे, वो खराब हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से। तो अब हमें उसे स्टोर करना पड़ता है, जैसे कि हम अपने घर में वो भी स्टोर करते हैं बड़े बड़े ड्रम्स में गेहूं और चावल यानी वीट और जो है राइस हम स्टोर करते हैं अपने घर में, तो बड़े बड़े ड्रम्स में। तो ऐसे ही बहुत बड़े बड़े प्लांट, बहुत बड़े बड़े स्पेसेस होते हैं गवर्नमेंट के जहाँ पे इसे स्टोर किया जाता है। और स्टोरेज कैसे होता है आप देखते हैं, स्टोरेज पार्ट। तो ये हमारी प्रोसेस है, प्रोसेस का एक पार्ट है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का इंडिया में स्टोरेज। तो स्टोरेज भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बिना स्टोरेज के ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अगेन, सारी की सारी टास्क इंपॉर्टेंट है, कौन सी टास्क इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, अगर उसे लॉन्ग टाइम रखना है, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये स्टोरेज, अब देखो स्टोरेज की डेफिनेशन लिख लो या स्टोरेज का रीजन, नॉट डेफिनेशन बट रीजन, क्यों क्यों हम स्टोरेज करते हैं। तो इसको ऐसे लिखो, रीजन फॉर स्टोरेज करके हेडिंग डालो, और उसके बाद लिखो इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, लॉन्गर टाइम के लिए रखना है, दे शुड बी सेफ फ्रॉम, किस किस से सेफ होना चाहिए, मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर उन्हें मॉइस्चर लग गया तो भी वो खराब हो जाएंगे, उनमें इंसेक्ट्स लग गए तो भी वो खराब हो जाएंगे, उसमें रैट्स ने खा लिया उसे तो भी खराब हो जाएंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जो हमने डिस्कस किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें दिखते भी नहीं, अगर उन्होंने भी खा लिया तो भी ये खराब हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इन सबसे बचाना चाहिए, और इन सबसे बचाने की ही प्रोसेस उसको स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे स्टोर करते हैं। हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर, तो जस्ट जिन्हें हार्वेस्ट करा है जो ग्रेन्स जो अभी काटे हैं उनमें बहुत मॉइस्चर होता है, क्योंकि अभी अभी काटे हैं। तो आपने देखा है ना, जैसे फ्लावर भी काटो, फ्लावर भी तोड़ो तो वो मॉइस्ट होता है, उसमें मॉइस्चर होता है, उसमें नमी होती है, बट उसे रख दो तो कुछ दिन बाद वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। तो सिमिलरली जैसे क्रॉप होती है, तो क्रॉप में भी जो जस्ट कटी होती है उसमें मॉइस्चर होता है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक बाई ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म को भी वाटर चाहिए, और उसमें वाटर का कंटेंट हाई होता है, मॉइस्चर होता है। तो अगर फ्रेशली जो कटे हुए ग्रेन है हार्वेस्टेड, अगर हम उसे इमीडिएटली स्टोर कर देंगे बिना सुखाए, तो उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा लेंगे और वो खराब हो जाएंगे। तो इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स या सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक बाई ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म उसे खा के खराब कर देंगे, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन भी तो करते हैं उसके, अगले साल भी तो हमने उससे फसल उगानी है, तो उसको अगर बिना ड्राई करे रख देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, खराब। तो इसके लिए आप एक एक्टिविटी घर पे कर सकते हो। आप घर पे क्या करो, थोड़े से गेहूं ले लो या चावल ले लो आपके घर पे, गेहूं, कुछ लोगों के घर पे गेहूं नहीं होगा केवल आटा होगा तो वो लोग चावल ले सकते हैं। तो आप लोग करो क्या कि गेहूं लो, और गेहूं में थोड़े से गेहूं लो, और थोड़े से गेहूं एक जगह एक कागज में रख के थोड़े से गेहूं लेके रख दो कागज में लेके, और दूसरे कागज में जो थोड़े से गेहूं लो उस पर दो चार बूंद वाटर डाल के उसे रख दो, और दोनों को साइड में रख दो कुछ दिन के लिए, और फिर देखो कुछ दिन बाद कौन से गेहूं बचते हैं। एक महीने बाद देखना कौन सा गेहूं सही रहता है, कौन सा गेहूं खराब हो जाता है या चावल खराब हो जाते हैं। तो डेफिनेटली वाटर वाला गेहूं खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब मॉइस्चर जिस गेहूं या चावल में रह जाता है, जिस क्रॉप में रह जाता है हार्वेस्टेड क्रॉप में सीड्स में, तो वो उसे खराब कर देता है ग्रेन्स को। तो पहले हमें उसे क्या करना चाहिए, ड्राई करना चाहिए। तो इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड
ओके रीजन क्यों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी सरवाइव करने के लिए वाटर चाहिए, और ये आपको पता है कि हर सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है उसने सरवाइव करने के लिए वाटर चाहिए, ठीक है। तो ये खराब हो जाता है, तो इसे कंज्यूम नहीं कर सकते। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस मॉइस्चर इन देम। तो स्टोर करने से पहले क्या करते हैं, बिफोर स्टोरिंग द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन, तो सन में धूप में सुखाए जाते हैं, टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, तो उन्हें धूप में सुखाते हैं, धूप में सुखा के उसका मॉइस्चर क्या करते हैं, कम। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाई इंसेक्ट्स पेस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो इससे क्या होता है कि इससे अटैक जो करते हैं इंसेक्ट्स पेस्ट बैक्टीरिया और फंगाई, तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, कम इस पर, ठीक है। तो इसे सुखा लेते हैं। तो अभी हमने एक एक्टिविटी डिस्कस करी कि एक ड्राइड ग्रेन्स अपने घर में लेना मम्मी से, कि या तो गेहूं मिल जाए या चावल उसे लेना, और एक छोटे से कागज में बंद करके रख देना, और दूसरे वाले पैकेट पे थोड़ा सा दो चार बूंद वाटर छिड़कना, उसे थोड़ा मॉइस्ट करना, मॉइस्ट करके रख देना, और कुछ दिन बाद एक महीने बाद देखना कि किस कौन से वाले ठीक है कंजम्पशन के लिए, कौन से वाले कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि हमें क्यों ड्राई करना जरूरी है उसे। आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वंडर वाई। तो पहेली कहती है कि मैंने अपनी मदर को देखा है कि वो कुछ सारी सूखी हुई नीम की पत्ती रख रही है, जो आयरन ड्रम है, आयरन का कंटेनर है जिसमें वीट गेहूं होता है, तो उसमें उसकी मदर क्या रख रही है, मदर नीम की पत्ती रखती है। क्यों रखती है, अब देखो क्यों। तो सबसे पहले अभी हम वो डिस्कस करेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं। तो ये देखो एक स्टोरेज दिखा रखा है यहाँ पे, बहुत बड़ा स्टोरेज दिखा रखा है, ये मैंने अपने आंखों से भी देख रखा है, ये दिल्ली में स्टोरेज है। इधर देखो छोटा छोटा, अगर आपने अपनी बुक देखोगे पीडीएफ वाली, तो यहाँ पे लिखा है भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम, और यहाँ देखो एक एफ, ये सी, और यहाँ पे एक आई लिखा हुआ है, एफ सी आई, यहाँ पे फिर देखो भारतीय खाद्य निगम लिखा हुआ है, आप अपनी पीडीएफ में देखोगे। तो भारतीय खाद्य निगम इंग्लिश इसकी है एफ फॉर फूड, सी फॉर कॉरपोरेशन, आई फॉर इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया भारतीय फूड खाद्य खाना निगम कॉरपोरेशन, तो भारतीय खाद्य निगम एफ सी आई, आप लोग सर्च भी कर सकते हो एफ सी आई, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये एफ सी आई का जो है पूरा स्टोरेज का, पूरा स्टोरेज है दिल्ली में, ये वाला एफ सी आई का बड़ा सा स्टोरेज, बहुत बड़ा स्टोरेज है ये दिल्ली में, तो इसमें ग्रेन्स रखे जाते हैं एफ सी आई के बहुत बड़े स्टोरेज में। तो ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का दिल्ली में बहुत बड़ा स्टोरेज है। अब देखो कैसे होता है, तो साइलोस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, तो साइलोस ये बड़े बड़े जो कंटेनर है, जो आपके घर का कंटेनर होता है छोटा, उसको कंटेनर बोलते हैं, बट बहुत बड़े कंटेनर्स को क्या बोलते हैं, साइलोस, साइलोस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो किस चीज की स्टोरेज के लिए है ये साइलोस, ग्रेन्स की स्टोरेज के लिए, इन्हें साइलो बोलते हैं। दिस इज साइलो, दिस वेरी बिग कंटेनर इज कॉल्ड साइलो, दिस वेरी बिग कंटेनर, ओके। तो ये इसमें साइलो में हम स्टोर करते हैं। अब देखते हैं, देखो ये अंदर देखो, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज। तो ये कैसे, इसमें जो है आपके बोरों में भर के जो बैग्स होते हैं हमारे, उसमें जो है कैसे भर के जो है कैसे इनको रखा गया है, ग्रेनरीज जहाँ पे ग्रेन्स को रखा जाता है, कैसे जो है उसे बोरे में भर के ग्रेन्स को रखा गया है, ठीक है। तो अभी हम ये देख चुके हैं कि अब स्टोरेज करना है, तो स्टोरेज करने के लिए क्या करना है, देखो पहली बात तो एक तो ये वाली एक्टिविटी ध्यान रखो कि मम्मी क्यों उसमें नीम की पत्ती रख रही है, पहेली की ड्राई और वेट वाले जो मॉइस्ट होता है वो उसमें से कौन सा गेहूं खराब हो जाएगा अगर हम कागज में रख के कुछ दिन के लिए छोड़ दें, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये स्टोरेज का हमारा है जगह, स्टोरेज जहां करते हैं, तो एफसीआई का जो है बहुत बड़ा स्टोरेज है, साइलोज है, और यहाँ पे क्या दिखा रखा है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स को कहाँ स्टोर करते हैं, ग्रेनरीज में, तो ग्रेनरीज में स्टोर कर रखा है, किस में, गनी बैग्स में, बोरों में, बोरों में स्टोर कर रखा है। तो अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है।